वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कैपिटल मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सिक्योरिटी मार्केट क्या है। तो देखिए, कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट से पहले आपने मनी मार्केट पढ़ा था। मनी मार्केट में था कि जहां शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी एक साल से कम पीरियड के लिए जहाँ सिक्योरिटी थी। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में डीलिंग की जाती है, यानी एक साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर हैं, डिवेंचर हैं, वो इश्यू किए जाते हैं। तो जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट में सबसे पहला फीचर्स का पॉइंट आता है, इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। यानी कैपिटल मार्केट में जो भी डीलिंग होती है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में होती है, और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो होती है वो एक साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए होती है। इट सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। देखिए, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, यानी एक साल से ज़्यादा के समय के लिए हमें जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे कैपिटल मार्केट के थ्रू जो हम सिक्योरिटी को रेज करते हैं, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो हैं किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी गवर्नमेंट की, उनको सेटिस्फाई किया जाता है। इट परफॉर्म ट्रेड ऑफ फंक्शन। अब देखिए, ट्रेड ऑफ फंक्शन में क्या आता है कि जो भी डिमांड और सप्लाई है गुड्स की, शेयर की, सिक्योरिटीज की, उनमें बैलेंस क्रिएट रखती है। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में डीलिंग की जाती है, और जो भी हमारी सिक्योरिटी की सेल्स परचेज है, डिमांड और सप्लाई है, उनमें बैलेंस क्रिएट किया जाता है। इट हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में किस प्रकार से हेल्प होती है, देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मनी इन्वेस्ट करने के लिए इनक्रेज किया जाता है। जब वो मनी इन्वेस्ट करते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है, जब ज़्यादा प्रॉफिट उनको होता है तो उसी प्रॉफिट को वो दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। इट हेल्प इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। अब देखिए, लिक्विडिटी किस प्रकार से क्रिएट होती है, जब चाहें हम सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमें कैश की रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी को सेल्स कर देंगे, जब हमारे पास सरप्लस कैश है, हम सिक्योरिटी को परचेज कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसमें लिक्विडिटी पाई जाती है। अब आपका आता है प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें किसी भी कंपनी के द्वारा सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, यानी नई सिक्योरिटी जो है वो मार्केट में इशू की जाती है। तो इसकी फीचर्स आते हैं, इट इज रिलेटेड टू न्यू इशू, यानी इसमें जो भी सिक्योरिटी है, शेयर है, डिबेंचर है, वो नए शेयर और डिबेंचर इशू किए जाते हैं, फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं। इट हैज नो पर्टिकुलर प्लेस। अब देखिए, इनका जैसे हम कोई भी सिक्योरिटी सेल्स परचेज करेंगे तो उनका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी सेल्स परचेज की गई है उनका कोई भी पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है। इट हैज वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। कैपिटल फ्लोटिंग के वेरियस मेथड्स होते हैं, पब्लिक इशू करके। कोई भी कंपनी पब्लिक में अपने शेयर इशू करके कैपिटल को अरेंज कर सकती है। ऑफर फॉर सेल, जनरल पब्लिक में सेल के लिए ऑफर देकर, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, एग्जिटिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको ऑफर देकर, जो भी उनके ये आपके इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ऑफर, सेल्स का ऑफर देके सिक्योरिटी के थ्रू जो भी कैपिटल है उसको अरेंज किया जा सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या आता है कि कंपनी अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को शेयर इशू करती है, और कंपनी ये चाहती है कि जो भी शेयर्स हैं जनरल पब्लिक में इशू ना करके अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, उन्हीं में शेयर्स को इशू करके कंपनी कैपिटल को अरेंज कर लेगी। राइट इशू में क्या होता है कि जो कंपनी के एग्जिटिंग शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को शेयर दिए जाते हैं, नए व्यक्तियों को कोई भी शेयर जो है वो इशू नहीं किए जाते हैं। आईपीओ के थ्रू क्या होता है, जनरल पब्लिक में एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और उसमें नए इशू के लिए जो है इनवाइट किया जाता है, और जो भी व्यक्ति उन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं और आईपीओ के थ्रू उनको शेयर्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं। जो हमारा प्राइमरी मार्केट है वो सेकेंडरी मार्केट से
पहले आता है, इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। अब आता है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट कौन सा मार्केट होता है, जहां सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम इश्यू कर दिया गया है, अब उन्हीं सिक्योरिटी को दोबारा मार्केट में खरीदा बेचा जाता है, तो वो आपका सेकेंड मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट में एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, ब्रोकर के माध्यम से उन सिक्योरिटी को जहां खरीदा बेचा जाता है। तो इसमें लिक्विडिटी पाई जाती है। लिक्विडिटी मीन्स जब भी हम सेकेंडरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट करना चाहें, इजीली हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए लिक्विडिटी पाई जाती है। ये जो सेकेंडरी मार्केट है ये प्राइमरी मार्केट के बाद आता है, यानी जो सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट टाइम इश्यू हो चुकी है उन सिक्योरिटी को बाद में खरीदा बेचा जाता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रेस होता है, यानी जो भी खरीदने वाले हैं, जो भी बेचने वाले हैं, उनको पता होता है कि इनको कहाँ खरीदा बेचा जाएगा। एक जो रजिस्टर्ड जो इनका ब्रोकर जो होते हैं उनके थ्रू इनको सेल्स परचेज किए जाते हैं। इट एनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट, जो भी नई इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलते हैं और नए नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी में इस प्रकार से पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के शेयर और डिबेंचर परचेज करने के लिए, और नई नई इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये तीनों आपने लर्न करने हैं।